आपको पता है ना, इंसान को कभी कोई छोटी मोटी चोट आ जाती है, जी अस्पताल में रात रुकना पड़ता है, तो उस सूरत में भी सब कुछ दिया जा रहा है, कम अज कम 500 ज्यादा से ज्यादा 3000 रुपए की रात के हिसाब से, ठीक है जी। 644 रुपए 44 पैसे माहवार पे, तो फिर रोजाना की बुनियाद पे 22 रुपए 22 पैसे जैस बैलेंस है। माशाल्लाह से आपकी कितनी उम्र है गुलाम मुर्तजा साहब? मेरी 32 साल उम्र। बहुत शुक्रिया सर, दोनों सहूलतें फराम करें ताकि बीमारियां आते की सूरत में कंपनी से आप रब्ता कर सकें। नंबर मैं आपको बताने लगा हूँ रबते का, ध्यान से सुनना है आपने, ठीक है? 042-111-11-98-78 नंबर ना मैं आपके माँ को बाद में मैसेज भी भेज दूंगा, अभी से मालूमात ध्यान से सुनिए। माशाल्लाह से घर में वाली वारिस के तौर पे आपके सर वालिद साहब हैं जी, है जी। क्या नाम है वालिद साहब का? शेर मोहम्मद। शेर मोहम्मद, तकरीबन 50 साल उम्र होगी उनकी जी? 85 साल। 50 साल? 85 साल। 85 साल, और आपकी कितनी उम्र है? 32 साल। 32 साल, बहुत शुक्रिया, अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे। मैं कंपनी के कुछ असूल आपको बताने लगा हूँ, आपने इनसे परहेज करना है, ठीक है? पैनल कॉमी कवानीन के मुताबिक ना सर, खुदकुशी, हलाते जंग, अगवा बरा तमाम मंशियात या किसी नशा व चीज के इस्तेमाल से नुकसान, गति या पार्टियाँ दहशत गर्दाना कार्रवाई में होने वाला नुकसान जिसमें हुकूमत ने इमरजेंसी का ऐलान करते हैं, सिवा लापरवाही की सूरत में पॉलिसी नहीं दी जाती, ठीक है जी। सेहत में खुद को जानबूझ के पहुंचाए जाने वाला नुकसान होता है ना सर जी, कॉस्मेटिक सर्जरी होती है ना जो कि गैर जरूरी होती है, आपने देखा होगा सर, लोग चेहरे की खूबसूरती बढ़ाने वाला ट्रीटमेंट करवा रहे हैं ना जी जी। खुदकुशी या खुदकुशी की कोशिश डॉक्टर के मशवरे से लापरवाही की सूरत में होने वाला नुकसान, कंपनी ना इन सूरतों में सब कुछ की रकम नहीं देती है, आपने परहेज करना है इन चीजों से, ठीक है? ओके। बंडल सर्विस के रोजाना 22 बंडल सर्विस के रोजाना 22 रुपए 22 पैसे जैसे बैलेंस है पूरे मामले ना, एक दिन के भी के मुताबिक सब कुछ की रकम आपको दी जाती है, ठीक है? आपका जो वालिद साहब है ना शेर मोहम्मद, उनको इन मालूमात का आपने लाजमी बता देना सर, आई कार्ड का नंबर 98 पे भेजना है, और रब्ता करने का तरीका बताने लगा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? अगर किसी भी हादसे या बीमारी की वजह से अस्पताल में रात रुके हैं ना, सब कुछ की रकम लेना चाहते हैं, गुलाम मुस्तफा साहब आपने क्या करना है 98-78 पे सर मैसेज करना है हेल्प क्लेम या मदद लिख के, ठीक है? मैसेज नहीं हो सकता तो जो नंबर मैंने आपको बताया ना सर 042-111-98-48 पे कॉल करनी है सर, अगले माह से ना क्लेम लेने के हल होंगे। गुलाम मुस्तफा साहब आपकी उम्र 32 साल है ना, वालिद शेर मोहम्मद की उम्र 85 साल है, ठीक है जी। 644 रुपए 44 पैसे माहवार में 12.5 लाख का आता थी, तब जो सेहत की सहूलतें का हम चलते हैं। आवाज आ रही है आपको मेरी? जी आ रही है आवाज। बहुत शुक्रिया सर, देखिए 644 रुपए 44 पैसे माहवार में 12.5 लाख का आता थी, तब जो सेहत की सहूलतें दी जाए। आपने मुझे ना जवाब देना आगे से सर, ताकि मैं अपनी बात को आगे कंटिन्यू रखूँ, ठीक है? आप बात करें जो करनी है। बहुत शुक्रिया, मालूम जो पीछे बताई वो तो आपको समझ आ गई है ना सर? आ गई। बहुत शुक्रिया सर, 666 रुपए 44 पैसे माहवार में 12.5 लाख का आता थी, तब खुद से उनकी सहूलतों में मैं पूछ कर लें। सर जी आप मुझे जवाब देंगे आगे से क्या? नहीं, किस चीज का जवाब दें हम? आप मुझे आगे से हाँ ना में जवाब दिया करें ताकि मुझे पता हो कि आप सुन रहे हैं मुझे। सुन तो रहे हैं, बताया तो है आपको, सुन रहे हैं। आपने कहा पहले, आप कह रहे हैं पहले हमारी बात गौर से सुन लें फिर हम आपको। बिल्कुल सर, बिल्कुल, साथ में मुझे जवाब भी दें ना, ठीक है? ताकि मुझे पता हो कि आप मुझे सुन रहे हैं, ठीक है जी? माना ठीक है, ओके, मैं तस्दीक करवा दे कि 666 रुपए 44 पैसे माहवार में 12.5 लाख का आता थी, तब मुझे उसकी सुविधा दी जाए। हमें क्या पता आप कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं, आपका क्या नाम है, फरियाद कर रहे हैं या हकीकत बात है, है? इस तरह आजकल लोग फरियाद कर रहे हैं, मुझे क्या मालूम आप एक नंबर से कॉल कर रहे हैं। हाँ हाँ कीती जाओ, ये मैंने आपको बोला कि जायज कंपनी के तामन से कॉल। जायज कंपनी किस तरह आप ये दावा कर सकते हैं कि जायज कंपनी से बात कर रहे हैं? मैं कैसे मान लूं भाई,
मैं कैसे मान लूं कि आप जायज कंपनी से बात कर रहे? आप घर के पास फ्रेंचाइज है आपके जायज की? जी है तो दफ्तर उधर से जाके पूछ सकते हैं, ठीक है, वो आपको बेहतर बता देंगे, ठीक है। ठीक, ये आपके साथ कोई फ्रॉड तो नहीं की जा रही है? मैंने फ्रॉड वाली बात क्या की है आपके साथ? आपको मालूमात बताने के लिए कॉल की और मालूमात मैं आपको बता रहा हूँ, इसके अलावा मैंने कुछ बोला है आपको? इससे आगे एग्री भी करवा रहे हो आप? हाँ मैं जवाब दो, जैसे कान पट्टी पर तस्दीक करवाए, ठीक है। ओके जी, ठीक है। ये जबरदस्ती नहीं सहूलतें दी जाती है, कस्टमर की रजामंदी के मुताबिक ही दी जाती है। आप तो सलाह मुतासरीन को दें ना सहूलते हैं। बिल्कुल सर, उनको भी की जा रही है। उठा तो तुम्हारा कोई नाम और निशान ही नहीं है जैज टेलीनाथ जाऊँ किसी कंपनी का, कोई आप उधर करें जो कम। मैंने आपको पहले बोला कि ये कॉल पूरे पाकिस्तान में जैज के कस्टमर को की जा रही है, ठीक है। मैं भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ और साइबर क्राइम उस पर नंबर पर रिकॉर्ड ही हो रही है, ठीक है। हाँ ओके सर, बताइए ध्यान से सुनिएगा सर, ठीक है। जी जी, बहुत शुक्रिया। देखिए सर, 666 पे 44 पैसे माहवार में 12.5 लाख का सभी जो चीज की सहूलत आपको दी है। जी सर्विस के चार्ज साहब आपको मैं मैसेज से भी भेज रहा हूँ, ठीक है, पढ़ लीजिएगा सर। मुंतफिक नहीं होते नौ लीटर 98 तक में मैसेज कर सकते हैं, आ जाता हूँ 9 बजे तक ना आपकी जानी से। कॉल मैसेज आने की सूरत में दोनों सुलियात में मैं पूछ के जाएगा, बैंक चुकौती का मन शुरू हो जाएगा। मालूमत होती है ना सर, अगर तो नामुकम्मल होती है ना, हमारी क्यूवे टीम पॉलिसी को हम फॉर्म नहीं करती। मुस्तफा साहब नुमाइंदा आपको दोबारा कॉल करेगा, जिसके बाद आपको पॉलिसी दी जा सकती है। हम आपको दोनों सूरतों में मैसेज पे तलाश कर देंगे। सर्विस में मजीद शामिल होने की तस्दीक के लिए मोबाइल से 0 का बटन है, सिफर का।